हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। आपने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स में, समाचार पत्रों में कई बार सुना होगा सीबीआई ने जांच करी। आखिर सीबीआई होता क्या है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सीबीआई की स्थापना कैसे हुई और उसका इतिहास क्या रहा है और उसकी कार्य प्रणाली। सीबीआई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिक्षा कल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीबीआई का फुल फॉर्म देखते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं। भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जिसका कार्य राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले जितने भी अपराध हैं, जैसे हत्या हुई, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए आदि राष्ट्रीय हितों के जो भी मामले हैं, उन सब की जांच भारत सरकार की तरफ से सीबीआई करती है। सीबीआई का इतिहास और स्थापना की हम बात करें तो भारत की आज़ादी 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उससे 6 साल पहले यानी 1941 में भारत सरकार द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान या स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद 1961 में इसका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया था। तो सीबीआई पहले विशेष पुलिस प्रतिष्ठान हुआ करती थी, बाद में 1961 में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो नाम दे दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके डायरेक्टर या निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। और सन 1969 में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आ गए थे। सीबीआई कैसे काम करती है तो इसके बारे में, जैसे कि अगर केंद्र सरकार ने किसी केस के लिए सीबीआई को सौंप दिया तो फिर सीबीआई कैसे उस केस को हैंडल करेगी, तो इसके लिए जैसे किसी राज्य से संबंधित कोई केस है तो उस राज्य से स्पेशल परमिशन लेना होगा या फिर सामान्य स्वीकृति लेना होगा। इसके बाद ही सीबीआई अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकती है। उसे संबंधित राज्य से परमिशन लेना होगा, इसके बाद सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है कि सीबीआई किस प्रकार के मामलों को देखती है, मतलब किस प्रकार के जो भी केस हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करती है। तो एक तो एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न और फिर स्पेशल क्राइम डिवीज़न। सबसे पहले एंटी करप्शन डिवीज़न में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों और केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या निकायों के कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच की जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न में प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित जो भी अपराध होंगे वो सभी इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद लास्ट में स्पेशल क्राइम डिवीज़न, राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून के तहत गंभीर और जो संगठित अपराध है उनकी जांच के लिए स्पेशल क्राइम डिवीज़न के अंतर्गत सीबीआई का कार्य प्रणाली होती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।